नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों पहले से, यानी जब चुनाव का छठवां चरण चल रहा था, तब से जय श्री राम के नाम से कुछ उद्घोष हुए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री साहिबा की पलटवार जो प्रतिक्रिया हुई और जो सिलसिला चला, और जय श्री राम बंगाल की सियासत में भाजपा का प्रतीक बन करके आ गया। और मुख्यमंत्री साहिबा जिस तरह से जय श्री राम के उद्घोष पर प्रतिक्रिया देती रही और लोग उन्हें और अधिक उकसाते रहे, ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में जय श्री राम का इस तरह से आना और उसके बाद में एक तरह का माहौल बनना, मैं राजनीतिक स्वरूप की बात नहीं करूँगा। आज मैं जिस विषय को लेकर के आया हूँ, जय श्री राम हिंदू संस्कृति के प्रतीक हैं। वैसे तो ये कहा जाता है कि जय श्री राम भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, और भारतीय संस्कृति के प्रतीक का मतलब फिर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, भारत से होता है तो हर भारतीय के लिए एक तरह से वो एक आदर्श प्रतीक के रूप में हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मज़हब के हिसाब से भी बात करें, उस हिसाब से भी बात करें, तो एक बात कही जा सकती है कि जब जय श्री राम पर पलटवार प्रतिक्रिया होती है तो जो हिंदू जनमानस होते हैं उनको ये तकलीफ़ होती है, उनको ठेस लगती है और उनकी फिर जवाबी प्रतिक्रिया आती है, स्वाभाविक है। और आपको आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश की धरती से एक मुस्लिम युवा डॉक्टर रिजवान अहमद के नाम से उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ से चलकर के कोलकाता आते हैं और वहीं से और लखनऊ से ही ये शंखनाद करते हैं कि मैं जय श्री राम यहाँ से नहीं बोलूँगा, मैं कलकत्ता आकर के बोलूँगा और मैं बार बार बोलूँगा। अगर ममता बनर्जी चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर सकती हैं। मुस्लिम युवक, एक मुस्लिम धर्मावलंबी अगर जय श्री राम बोले तो फिर क्या उसे गिरफ्तार किया जाता है या नहीं, ये सोच करके इस शंखनाद के साथ डॉक्टर रिजवान अहमद ने वाकायदा सोशल मीडिया में अपनी बात कही। और जब वो लखनऊ से शुरू हुए, जब वो कलकत्ता पहुँचे, तब भी उन्होंने सोशल मीडिया में बात कही, अपने आने की सूचना दी और आते ही वो कालीघाट के मंदिर में गए। उनकी तस्वीर हमने देखी कि उनके गले में माँ काली के जो प्रिय फूल होते हैं, जावा के फूल, उनकी माला थी। उन्होंने खुद कहा कि मैंने आकर के माँ काली के दर्शन किए हैं और मैं यहीं से जय श्री राम बार बार बोल रहा हूँ। उनके मन में भी इच्छा थी कि ममता बनर्जी से मुलाकात हो, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। वो फिर विक्टोरिया मेमोरियल गए, वहाँ से भी उन्होंने अपना वीडियो शेयर किया और ममता बनर्जी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी उन्होंने अपने वीडियो वहाँ पर दिए। उसके बाद हावड़ा ब्रिज में भी उन्होंने अपनी बात को रखा। सवाल ये है, ये इस देश की खूबसूरती है। मैं आज जिस बात को लेकर के आपके सामने आया हूँ वो राजनीति की बात नहीं है, वो सिर्फ ये बात नहीं है कि राम का के नाम पर तल्ख प्रतिक्रिया हुई, हिंदू लोगों के बीच में एक भावना बनी और लोगों ने ये तय किया कि हम ममता बनर्जी को जय श्री राम के पोस्ट कार्ड देंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात हुई। लेकिन उसके बाद में अयोध्या के संत समाज ने, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता युवा मोर्चा ने और भी कई क्षेत्रों से लोगों ने पोस्ट कार्ड ममता बनर्जी के नाम जय श्री राम का उद्घोष लेकर के उन्हें भेजा है और ये खबर है कि बहुत सारे पोस्ट कार्ड आ रहे हैं। मैं उसकी बात भी नहीं करूँगा, मैं जिस संदर्भ को लेकर के आया हूँ वो संदर्भ ये है, इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, इस देश की संस्कृति की खूबसूरती देखिए, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब भाई भाई अनेकता में एकता की इस खूबसूरती को देखिए। डॉक्टर रिजवान अहमद ये मिसाल है। बात राम की और रहमान की नहीं है, बात ये है कि जब इस देश में सब धर्म के लोग एक साथ रहते हैं तो फिर किसी भी धर्म के इष्ट के प्रति
अगर उनका नाम लिया जाता है तो उस पर तल्ख प्रतिक्रिया क्यों होती है? एक मुसलमान ने उस तल्ख प्रतिक्रिया का जवाब दिया है। एक मुसलमान उत्तर प्रदेश की धरती से चला है, बंगाल की धरती में आया है और ये उसने ये बताया है कि मैं बोलूँगा जय श्री राम, एक बार नहीं मैं बार बार बोलूँगा। यह है इस देश की संस्कृति की खूबसूरती। और डॉक्टर रिजवान अहमद मिसाल बन गए हैं और ये होना चाहिए। अगर कभी किसी मुस्लिम धर्मावलंबी पर अगर कभी कोई ऐसी बात आ जाए तो हिंदू का कर्तव्य बनता है कि वो जाकर के उन्हें स्थापित करें, वो उन्हें बताएं कि नहीं, ये इनका भी अधिकार है, हमें ये नाम भी सम्मान के साथ लेना चाहिए। डॉक्टर रिजवान अहमद कोलकाता पहुँच कर के माँ काली के मंदिर में जाते हैं। ये इससे बड़ी सांप्रदायिक सद्भाव, एक दूसरे के प्रति सम्मान, राम और रहमान अलग नहीं हैं ये भाव, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मैं आज का वीडियो डॉक्टर रिजवान अहमद को सैल्यूट करते हुए समर्पित करता हूँ। ऐसे लोग इस देश के लिए मिसाल हैं और जब तक ऐसे लोग हैं तब तक इस देश को न तो राजनीति मजहब से तोड़ सकती है, राम रहमान से तोड़ सकती है, कुरान कुरान से तोड़ सकती है, ये संभव नहीं हो सकता। क्योंकि रिजवान जैसे लोग जो राम को भी उसी अंदाज में याद करते हैं जिस अंदाज में वो अपने रहमान को याद करते हैं, अपने अल्लाह को याद करते हैं, तो ये जो भावना है, मैं इस भावना को सैल्यूट करता हूँ। राजनीति मजहब का इस्तेमाल करती है, राजनीति जाति का इस्तेमाल करती है क्योंकि उसे वोट चाहिए होता है। लेकिन अब जो देश में राजनीतिक धारा बनी है उस धारा ने जातिगत समीकरणों को तोड़ दिया है। यानी अब हम ये सोच सकते हैं कि इस देश से तुष्टिकरण की राजनीति अब खत्म हो जाएगी, और तुष्टिकरण की राजनीति का खत्म होना बहुत अधिक ज़रूरी है। राजा का कर्तव्य होता है, कोई भी मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो, उसका ये कर्तव्य होता है कि सबको समान नज़र से देखे। हाँ, अगर कोई कमज़ोर है तो उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दें, कमज़ोर पक्ष को ऊपर उठाएं, उसके अधिकारों को संरक्षित करें, उसे कहीं तकलीफ ना होने दें, ये राजा का दायित्व बनता है। राजा का दायित्व ये कतई नहीं बनता कि एक पक्ष की तरफ हमारा झुकाव हो, दूसरे पक्ष की कहीं बात आए तो हम तल्ख अंदाज में प्रतिक्रिया दें। मुझे विश्वास है राजनेता राजनीति अब जो बदलता माहौल है जनता के मिजाज का, उसे समझेंगे और अपनी नीति बदलेंगे, अपनी रीति बदलेंगे। अब वोट राम और रहमान से नहीं, अब वोट काम करने से आएंगे, सद्भाव रखने से आएंगे, सबके प्रति समान नज़र रखकर सबका कल्याण करने की भावना के साथ चलने से आएंगे। एक बड़ा संदेश डॉक्टर रिजवान अहमद ने दिया है और बड़ी हिम्मत और दिलेरी की है। देखिए, गर्मी का ये मौसम, उस मौसम में कोई बंदा उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल में ये कहने के लिए आता है, ये जताने के लिए आता है, लोकतांत्रिक अधिकार की बात को बताने के लिए आता है। अगर कोई हिंदू आता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक मुसलमान राम के लिए आया है, इसलिए ये सलाम बनता है डॉक्टर रिजवान अहमद की भावना का। ये सैल्यूट जाता है उनको, उनके मन की जो भावना है, उनके मन का जो विचार है उसका जाता है, और ये सद्भावना का प्रतीक है। यही वो बात है जो हिंदू और मुसलमान को दिल से जोड़े रखती है, दिल से जोड़े रखेगी। और यही संदेश जाता है कि अगर किसी मुस्लिम भाई के साथ कभी कोई दिक्कत आए, अगर कहीं उनके धर्म के साथ अगर कोई इस तरह की तल्ख बात हो तो कोई हिंदू जगेगा और वो जाकर के मुस्लिम भाई के अधिकार की बात करेगा। हम जब एक दूसरे के अधिकारों का संरक्षण करेंगे
एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की मान्यताओं का मान करेंगे, तब इस देश पर कोई आंच नहीं आ सकती, सियासत तोड़ नहीं सकती और न ही कोई बाहरी ताकत इस देश को नुकसान पहुंचा सकती है। हमारे देश की इस संस्कृति को सलाम, जिसमें डॉक्टर रिजवान अहमद जैसे लोग उठकर के खड़े होते हैं और ये बोलते हैं कि एक बार नहीं, मैं बार बार बोलूँगा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये डॉक्टर रिजवान अहमद को समर्पित है, प्रेम सद्भाव की मिसाल को समर्पित है, इसलिए मैसेज दूर तक जाना चाहिए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।